स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड की उप राजधानी दुमका के इस ऐतिहासिक मैदान में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज मैं देश के महान सपूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ झारखंड की महान विभूतियों भगवान बिरसा मुंडा, अमर शहीद सिद्धू कान्हू, जान भरे पुरोजानो, शेख भैरवी एवं वीर निरामर पीताम्बर सहित उन तमाम शहीदों के प्रति अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना बलिदान दिया है। संभावनाएं वर्तमान में स्थायी एवं लोकप्रिय सरकार द्वारा राज्यों के चौमुखी संतुलित एवं समावेशी विकास के लिए पूरे मेहनत एवं ईमानदारी से प्रयास किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए काफ़ी हर्ष महसूस हो रही है, आज बदलती झारखंड, बढ़ती झारखंड की चारों ओर चर्चा हो रही है कि देश के विकास में झारखंड की अग्रणी भूमिका को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिला है। राज्य के विकास में किसानों के असाधारण योगदान एवं उनकी मेहनत को सम्मान देते हुए 10 अगस्त 2019 को नई योजना के रूप में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना प्रारंभ की गई है। जिस सुदूर इलाकों में रह रहे नागरिकों तक विकास की किरणें पहुंचे, इसके लिए कृत संकल्पित है। निरंतर प्रयासों का नतीजा है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड में कई क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है। लोक कल्याणकारी, संवेदनशील, पारदर्शी व बेहतर प्रशासन की स्थापना सरकार का लक्ष्य है तथा विकास में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु समावेशी विकास के उद्देश्य से सरकार आगे बढ़ रही है। 1947 ईस्वी में आज ही के दिन भारत को अंग्रेजी दास्ता से मुक्ति मिली थी और यहाँ स्वतंत्रता का नव संचार हुआ था। तब से लेकर इतने दिनों में हमने विज्ञान से लेकर व्यापार और राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बड़ी ऊंचाइयों को छुआ और पूरे विश्व में अपना एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। आइए आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम भारत को और बुलंदियों पर ले जाने का संकल्प लें। पंजाब केसरी की तरफ से सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ।